हेलो फ्रेंड्स, आज आपके सामने एक भाई और एक बहन, दो आपको दिखाएंगे। जैसे कि एक है 125 और एक है आपकी 110, एक है आपकी एक्टिवा 125 और एक है आपकी एक्टिवा 110। दोनों के मोटिवेशन दिखाऊंगा साथ में, इसलिए क्योंकि हमारे भाई साहब हैं ओम जी, ये कह रहे हैं कि दोनों को एक साथ दिखाओ क्योंकि इन पर टाइम की शॉर्टेज ज़्यादा है। दोनों एक साथ तैयार हैं तो दोनों को एक साथ कवर करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, उसको मैनेज कर लें, प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे। और अब इधर आइए, इसमें लगाएगा वाइजर, जो कि आप देख सकते हैं ये वाइजर है। इसकी लुकिंग काफ़ी इनहेंस हो गई है लुक, और इससे साथ में आपको विंड भी होती है कंट्रोल पूरी तरीके से। साथ में इसमें लगाया गया हैंड गार्ड, जो कि लाइटिंग वाले हैंड गार्ड होते हैं, इधर भी मिलेगा, साथ में इधर ही मिलेगा। इससे आपके लीवर भी सेफ होते हैं, साथ में होते हैं इसके हैंड भी सेफ। और इसके बाद आपको देखने मिलेगा मिरर, जो कि लाइटिंग वाले मिरर है, ये भी इसके अंदर लगा दिए गए हैं। और इससे लुक काफ़ी इनहेंस हुआ था और व्यू पूरा नज़र आता है इसके अंदर आपको दोनों तरफ देखने मिलेगा। और इसके बाद आपको देखने मिलेगा इसके अंदर फुल बॉडी क्रैश गार्ड, जो कि इंस्टॉल कर दिया गया है इसके अंदर। आप देख सकते हैं एक्टिवा 125 का स्लाइडर मिलता है दोनों तरफ, इससे आपकी बॉडी पूरी प्रोटेक्ट हो जाती है। साथ में आपका प्रोटेक्ट होता है लेग्स भी, जो कि देख से लुकिंग काफ़ी ज़बरदस्त आती है इसकी, बहुत ही हैवी हो जाती है इसे लगने के बाद। और इसमें लगाया गया सेंटर लॉक भी, जो कि दिखाऊंगा बाद में इसको, इससे आपका स्टार्ट ऑन ऑफ सब कुछ हो जाता है। और इसके बाद इसके अंदर लगा दिया गया, आप देख सकते हैं ये इसकी क्रूज़र सीट, जो कि इसमें इंस्टॉल करी गई है प्रॉपर आपकी टूरिंग क्रूज़र सीट, जो कि ब्लैक कलर की है, ब्लैक ही लगा दिया गया है। इसमें बैठने में कहीं भी राइड इजी राइड हो जाती है इसकी एक्टिवा 125 की। और अब इसके बाद दिखाता हूँ आपको इधर, जो इसकी बहन है, ये भाई है तो ये बहन है, इसकी भी दिखाता हूँ आपको। इसके अंदर बहुत सारी मॉडिफिकेशन है इसके अंदर, जो कि यूनिक और डिफरेंट है। तो ये देख सकते हैं, ये इसकी बहन है, ये भी तैयार हो चुकी है पूरी तरीके से। ये भी अपनी हमने की है पूरी रीस्टोर, ये रिस्टोर प्लस मॉडिफिकेशन की गई है। जब ये आई थी तो कबाड़ थी, अब हमने इसे न्यू बना दिया पूरी तरीके से, क्योंकि आपका डेंटिंग पेंटिंग और साथ में मॉडिफिकेशन भी की गई है इसके अंदर। सबसे पहले इसमें दिखाऊंगा सेंटर लॉक, जो कि उसको मैंने दिखाया था। इसमें देखिए, ये आपका स्टार्ट का बटन है, डबल प्रेस ही होगी आपकी स्टार्ट, इससे आपकी होती है ऑफ, और इससे आपके रिमोट से लॉक लॉक हो गई। अब कोई टच करेगा छेड़ेगा तो आपकी तो ये देखो, ये इसमें सायरन बजने लगा है। और अब दोबारा अगर छेड़ेंगे तो दोबारा और तेज़ बजेगा, बेटा बोल बोल गया, देखा मेरी बात सुनती है ये। तो ये हो गया इसका सेंटर लॉक वर्क, इसे ऑफ करें सिंपली ऑफ हो गया। वैसे 30 सेकंड का टाइम है तो 30 सेकंड में ही आपकी ऑफ भी हो जाती है, बट अगर आप खुद करना तो आप खुद कर सकते हो। और ये है इसका अलार्म का, जैसे आपने इसे अलार्म लगा दिया इस लॉक, तो अलार्म करने के बाद कहीं भी गाड़ी आपकी खड़ी होती है तो सामने वाला क्या होता है, कहीं भी इधर उधर खड़ी करता पार्किंग में, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, दबाओगे पता लगेगा आपकी गाड़ी परले कोने पर खड़ी, तो उसके लिए आपके चौथा बटन। तो ये था सेंटर लॉक का पार्ट, इसको हम रख देते हैं अब। और उसके बाद दिखाता हूँ और बहुत सारी मॉडिफिकेशन इसके अंदर जो कि की गई। देखियो, सबसे पहले आपकी चाबी ऑन करते ही इसके अंदर देखिए क्या डेविल लुकिंग आ रही है, देख रहे हैं डेविल। ये इसकी आईज बना दिए गए हैं, ये आपकी DRL लगा दी, पार्किंग बल्ब लग गया, हेडलाइट में LED भी लगी हुई है। तो लुक आप चेकआउट करो, क्या ज़बरदस्त आ रही है इसकी। साथ में अब लाइट जगह तुम जला के ये देखिए, ये आपकी लाइट हो गई हाई लो हाई लो, ये भी वाइट है आपकी जो कि लगा दी गई इसके अंदर। और इसके बाद दिखाता हूँ इसके अंदर आपके, ये देख सकते हैं इंडिकेटर, ये जो उसके अंदर मिरर सेम इसके अंदर मिरर मिलेंगे आपको, ये देख सकते हैं बहुत ही लुकिंग ज़बरदस्त दिख रही है। और साथ में रोशनी, अंदर भी रोशनी मिलती है इसके अंदर, देख सकते हो आप, ये देखो बहुत ही ज़बरदस्त, दोनों तरफ इधर भी और साथ मिलती है आपको इस तरफ भी, दोनों तरफ मिलेगी आपको। मैं करता हूँ इसके अंदर हज़ार भी लगा रखे, देखिए ये हो गया इसका हज़ार ऑन करने के बाद इसमें आपको 22-30 बटन इसके अंदर मिल जाते हैं आपको, जो कि हज़ार से कनेक्टिविटी होती है। ये देख सकते हो, जितनी बार बटन पुश करूँगा ऑन ऑफ आपका चेंज होता रहेगा पैटर्न। साथ में इंडिकेटर बल्ब लगाए हैं सिमटेक के ओरिजिनल, जो कि ये भी इसके अंदर लगा दिए गए हैं। और इसके बाद मैं इसमें दिखाऊंगा क्रैश गार्ड, जो कि फुल बॉडी क्रैश गार्ड है। वैसे नॉर्मली आपको इस गाड़ी का क्रैश गार्ड नहीं मिलेगा, बट हमारे पास नथिंग इज इम्पॉसिबल है, हम किसी भी गाड़ी का कोई भी सामान बनवा सकते हैं। जैसे कि इसका बना दिया गया क्रैश गार्ड एक्टिवा 110 का, जो कि आप देख सकते हैं लुकिंग काफ़ी ज़बरदस्त और बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का। साथ में इसमें स्लाइडर नहीं लगाया है, तो इसमें अभी स्लाइडर भी लगना बाकी है, जो कि इसके अंदर लगेगा। जैसे आप इसके अंदर देखेंगे, ये वाला स्लाइडर भी इसके अंदर इंस्टॉल होना बाकी है, ये भी इसके अंदर इंस्टॉल कराएंगे और फिर दिखाएंगे पूरी लुकिंग। और इसके बाद इसके अंदर लगा देंगे आपके, ये देख सकते हैं हैंड ग्रिप, जो कि आपके सुपर बाइक वाले हैंड ग्रिप लगा दिए गए हैं इसके अंदर, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी। साथ में मिलते हैं आपके लीवर, जो अपने फिंगर के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो जैसे मर्जी। इसमें कलर कॉम्बिनेशन जो मर्जी ले सकते हो आप, चाहे आप ऑरेंज लो, ब्लू लो, व्हाइट लो, कोई भी कलर आप इसके अंदर ले सकते हो, हमारे पास सारे अवेलेबल हैं। और इसके बाद आपको दिखाता हूँ इसके अंदर मैट, आप देख सकते हैं ये लगाया गया इसके अंदर मैट, जो कि एक्टिवा की ब्रांडिंग के साथ है। क्रैश गार्ड जैसे मैंने आगे दिखाया, वैसे आप पीछे देख सकते हैं, ये भी इसका क्रैश गार्ड है। और उसके बाद दिखाऊंगा टूरिंग सीट, जो कि इसके अंदर लगा दी गई है टूरिंग सीट। इसे सिंपली लगाने के बाद कहीं पर भी इजी राइड कर सकते हैं, क्योंकि जितनी भी सीट होती हैं सारी क्रूज़र सीट होती हैं। और क्रूज़र सीट का मतलब होता है कि आप बैठिए और महाराज की तरह बैठ कर निकल जाइए कहीं पर भी। और इसके बाद रजिस्ट्रेशन मैंने आपको बताया था ना, मैं पूरा दिखाता हूँ रजिस्ट्रेशन में क्या है। ये गाड़ी जब आई थी ना, तो समझ लो पूरी तरीके से डैमेज थी,
अब आप देख सकते हैं लुकिंग पूरा जर्मन पेंट किया गया है इसके अंदर, कोई देख के जज भी नहीं कर सकता किया भी है नहीं किया गया। साथ में इसका एलॉय रिम, आपके शॉकर, सब कुछ पेंट है इसके अंदर और पूरी डेंटिंग पेंटिंग की गई है। प्लस इसके अंदर ग्राफिक दिखाऊंगा, ये देख सकते हैं ये भी इसके ग्राफिक्स वगैरह सारे नए लगाए गए हैं जो कि 3G है, 3G नहीं है वैसे, ये वैसे 110 है ये। और देख सकते हैं पेंट की फिनिशिंग अल्टीमेट है, कहीं को देख कर जज भी नहीं कर पाएगा पेंट की गई है या कंपनी से ये आई है। इसके बाद अब मैं बुलाना चाहूँगा उन दो महारतियों को जो इसके ऑनर हैं। आइए महारती लोग, आइए, ये तो वाकई में महारती हैं। देखो इन्होंने महारत हासिल कर रखी, आइए भैया। तो ये हमारे भाई साहब है, नाम क्या सर? पहले तो इनका नाम ही सुने, नाम सुन के मजा आना है फिर कहना। क्या नाम है सर आपका? ओम नाम है सर। और जटाधारी भी सेम उनकी तरह ही है, तो समझ सकते हो कि भोलेनाथ जी के रूप हमारे साथ खड़े हुए हैं। तो भाई साहब बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। आप पहले जब भी आए तो शायद मैं नहीं था, लेकिन अब जब आए तो वीडियो मुझे बना के और आपको काम करें मुझे बहुत मजा आया। आपको कैसा लगे बताइए आप? बहुत बढ़िया लगा सर, बहुत बढ़िया। इनकी सर्विस और इनका काम जितना लाजवाब है, जितनी शॉप भी लाजवाब नहीं है। मेरी शॉप की बेइज्जती कर रहे हैं भाई? शॉप की बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, इनके माल की तारीफ़ कर रहा हूँ जो कि इन्होंने इतना बढ़िया सिंसर्च करा। मैं खुश हो गया, दूसरी बार आया हूँ, तीसरी बार भी आऊँगा, चौथी बार भी आऊँगा और पाँचों बंदे को लेके आऊँगा। इनका कहने का मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ सेटिस्फाइड इधर ही होते हैं काम कराकर, चाहे इनकी बाइक स्कूटी कोई सी भी हो। पहले इनकी शायद एफजेड तैयार करी थी जो कि MT में कन्वर्ट करी थी, और अब इसके बाद 125, ये अभी भी दो तीन बाइक है और वो भी लाने वाले हैं। और साथ में मिला था उनके साथ जो भैया है, क्योंकि ये जो हीरोइन दिख रही है ना, ये उन भाई की है, लेके भाई जरूर आए। पर भाई साहब आप बताइए कैसे हैं? आप निहार रहे हैं अपनी बाइक को, स्कूटी को, देख रहा हूँ बहुत देर से, क्या निहार रहे हैं आप ये बताइए? देख रहा हूँ पहले से चेंज हो गई, चेंज नहीं है, शोरूम से न्यू आई है अभी, ये शोरूम से न्यू आई है, मस्त लग रही है, मस्त लग रही है। ऑल अबाउट कैसा लगा आपको हमारा? बढ़िया, सब बढ़िया। और भाई का कैसा लगा तुम्हें? बेस्ट। चलें साथ में फिर, चलो। तो अभी देखो भैया पे फोकस करिए ना, ये देखो भैया पूरी गाड़ी को निहार रहे हैं, मतलब इनको बिलीव नहीं हो रहा कि यार ये वाक्य में मेरी स्कूटर है, किसी और की है। तो ऑल अबाउट काम से देखो, सबसे मेन तो ना काम सेटिस्फाई, काम से सेटिस्फाई होना चाहिए। हमारी बातों से सेटिस्फेक्शन से कोई फ़ायदा नहीं है, वीडियो देख कर भी आओ या ना देख के भी आओ, काम अच्छा मिलेगा तो ही आपको आने का मन करेगा, वरना पैसे खर्च कोई नहीं करेगा, चाहे वो मैसेज है कोई। भैया जब भी चैनल पे आओ भैया का फेस देख के आओ, यहाँ पे आओ वीडियो कॉल पे देखो भैया का फेस, तभी काम करवाओ वरना मत करवाओ, क्योंकि यहाँ पर चल रहा है बहुत तगड़ा स्कैम, इसलिए क्योंकि आजकल क्या है इनके नाम पे लोग पैसे डलवा रहे, टोकन में डलवा रहे, माल नहीं बेचते और यहाँ पे आते हैं, इनका फेस नहीं मिलता, लोग काम करा के चले आते हैं और बाद में काम गलत लगता है, तो इसलिए इनका फेस देख क्या है, इनके सामने ही काम करवाए और इनका वीडियो कॉल, अगर भैया नहीं भी है कहीं से काम से अवेलेबल नहीं है, वीडियो कॉल पे इनको देखे तब काम करवाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये भैया इसलिए कह रहे हैं, इनके सामने एक इंसिडेंट हुआ था और उस इंसिडेंट के पूरे गवाह हैं ये, तो इसलिए भैया ये सब बता रहे हैं कि क्या हुआ था उस बंदे, तो भैया नहीं चाहते कि किसी और के साथ वो सब सीन हो जो उस भाई के साथ हुआ। तो समझ जाओ आपको करना क्या है, SKD का ध्यान करें, SKD ओनली, SKD नॉट अदर देन, ओनली फॉर SKD, जो कि राजू भाई की शॉप है और ये शॉप हमारी पिछले 2.5 साल से है और 25 साल से तुम्हारे भाई का एक्सपीरियंस है, जो कि मैं सबके साथ शेयर करता हूँ जब भी काम कराते हैं। तो एक्सपीरियंस का मतलब यही होता है कि जो ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो भैया ने ना आज एक छोटी सी बात कही थी, इधर आइए मैं दिखाता हूँ, जो बताना ही भूल गया। ये देखिए ये हमारे भाई साहब हैं, ये लगाया इनका साइशन एक्सटेंडर, हमारे भाई साहब इसके बारे में बताइए सर, आपने क्या कहा था, क्या हुआ था? मैंने एक इनके स्टाफ को कहा था कि ये लगा दो, इनके स्टाफ ने बोला नहीं लगेगा, तो भैया का एक्सपीरियंस क्या बोला, भैया ने बोला और इसको लगा के इंस्टॉल करके दिखाया जो कि अभी हिलने वाला नहीं है 10 से 15 साल तक भी। तो अब समझ जाइए, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर नथिंग इज इम्पॉसिबल है, आपने कुछ बोला वो ना हो ऐसा हो नहीं सकता, होगा ही होगा, चाहे वो मैं करूँ चाहे मेरा स्टाफ करे वो एक अलग मैटर है, बट काम आपका ज़रूर होगा। तो वीडियो चलो, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, राजू भाई SKD को, जो कि मिलने वाला आपको यूट्यूब पर भी और सेम मिलेगा आपको इंस्टाग्राम पर भी। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए जय श्री राम, जय माता दी, गुड बाय।